तो हाय सौरभ जी, वेलकम टू टेलीग्राम. गुड हाय समीरा, हाउ यू डूइंग? गुड गुड, हाउ आर यू? सो फाइनली आपका जो प्रेडिक्शन था, जो आपने विनर के बारे में बोला था और अभिषेक के भी बारे में, इनफैक्ट टॉप थ्री के बारे में आपने जो बोला था, वो प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल सही निकला. सो क्या कहना चाहूंगे, किस तरह का फीडबैक आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है इन तीनों को लेकर? देखिए जी, इट फील्स वेरी गुड यू नो व्हेन योर प्रेडिक्शंस और व्हेन योर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड इन द होल पब्लिक एंड इन द ऑडियंस। सो टॉप थ्री में ना मुनावर, अंकिता और अभिषेक का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था, लेकिन बिग बॉस पे सब कुछ ऑन ऑन स्क्रीन नहीं आ पाता है। सो आई वॉज देयर इन साइट फॉर गुड 1 1.5 आवर्स। तो लेकिन अगर स्क्रीन टाइम देखो, दैट वॉज ओनली फॉर 10 मिनट्स। बट इफ यू सी दैट व्हेन आई हैड कन्वर्सेशंस विद द मीडिया, वहां पे मैंने मनारा के बारे में अंदर भी एक चीज बोली थी और मीडिया आप लोगों के सामने भी एक चीज बोली थी कि मनारा के स्टार्स ऐसे थे कि उनको बिल्कुल लास्ट 1 2 दिन की वोटिंग्स ना उनको टॉप थ्री में ले आती, और एट द सेम टाइम मैंने ये कहा था विनर फिर भी नहीं बन पाएंगे वो, ठीक है। तो उसमें देखिए कि सबसे पहले मैंने अभिषेक का नाम लिया था, फिर अंकिता का नाम लिया था कि अभिषेक और अंकिता का 8-10 मिस है और मनारा भी कहीं ना कहीं टॉप थ्री में आ सकते हैं लास्ट वोटिंग्स की वजह से, यस यस है ना। हाँ तो लेकिन मुनावर के बारे में मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि एक आदमी जो टॉप पर होगा वो मुनावर ही होगा, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट नाउ, राइट। सो इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी। सी आई हैव मेनी फेदर्स ऑन माय कैप नाउ। अर्लियर ऑल्सो आई वॉज द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू स्टेप इन साइड द बिग बॉस हाउस टिल डेट, दैट वॉज वन। सो नाउ आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टू बी यू नो रिपीटेड बैक टू बैक इन 2 सीजंस टिल डेट। यस हाँ एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे लास्ट सीजन का, सीजन 16 का, सो इट वॉज 25 मिनट्स इन साइड द हाउस एंड इट वॉज 4 मिनट्स विद सलमान खान। सो इट ऑल सम्स डाउन टू हाफ एन आवर ऑफ द स्क्रीन टाइम। राइट राइट हाँ तो इससे पहले 17 सीजन में सी आई फॉलो द बिग बॉस लाइक हाउ ना, तो मैंने लास्ट में देखा था कि अभी तक हाईएस्ट स्क्रीन टाइम किसका रहा है एक एस्ट्रोलॉजर का, सो दैट वॉज 14 मिनट्स। तो वो भी मैंने एक ओके बहुत बड़े मार्जिन से वो भी पीछे किया है, वो रिकॉर्ड भी अभी तक फिलहाल। आई ओके होप दिस रिकॉर्ड मेंटेन्स, और नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई ये रिकॉर्ड को तोड़े, सो आई विल बी ऑलवेज होपफुल कि वो मैं ही हूँ आगे के लिए भी। तो श्योर श्योर. अरे नाउ तो बिग बॉस फील्स लाइक होम, यू नो। मतलब आपका प्रेडिक्शन अब तक का सारे सही निकलते जा रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम होप आपको अगर कंटेस्टेंट एज ए कंटेस्टेंट जाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो विल यू? नहीं देखिए समीरा, वो मेरे को फर्स्ट सीजन में भी मिली थी, सीजन 16 में, आई मीन। सो दे वांटेड मी टू बी अ वाइल्ड कार्ड फर्स्ट, टू ओके व्हिच आई डायरेक्टली डिनाइड, बिकॉज़ सी आई एम फ्रॉम पंजाब, थोड़ा नेचर में एग्रेशन वैसे भी रहता है। चाहे हम देखो एस्ट्रोलॉजी मेरा प्रोफेशन है, राइट, बट एक इंसान की एक डीप डाउन एक नेचर होती है जो फिक्स्ड होती है, राइट। राइट राइट सो पंजाबी थोड़े से खून गर्म होता उनका, तो अगर मैं एज अ कंटेस्टेंट जाता ना, तो मेरा लोगों का मेरे को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है ना। एस्ट्रोलॉजर्स अंदर ज्यादा ऊंची आवाज में या ज्यादा, क्योंकि शो तो थोड़ा गंदगी से ही भरा हुआ है, शो गंदा नहीं है लेकिन लोग गंदा बना देते हैं, राइट। एग्जैक्टली पीपल राइट टेस्ट यू, सो राइट आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। मतलब इट इज समथिंग दैट इज नॉट माई लेवल ऑफ स्टैचर, सो दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज कीप ऑन डिनाइंग अपॉर्चुनिटीज लाइक सच, बिकॉज दैट इज नॉट मी। आई नो माई स्टार्स वेरी वेल, मेरे को पता है अगर मैं कंटेस्टेंट बनकर भी आऊंगा तो क्या होगा, और अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बन के ही चले जाऊंगा तो क्या होगा। सो आई करेक्ट रीड माय स्टार्स वेरी वेल। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जो मुनव्वर के बारे में कहा था, कितनी बेट लगानी पड़ी थी, क्योंकि आपके सामने एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी थे जो उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन किया था बहुत गलत था, और फिर कितना कुछ चैलेंजिंग था या कितना डर था? देखिए उनका ना, उनका अंदर सिर्फ ये काम था कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, उनका सिर्फ ये रोल था। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट, अगर आप वो शो दोबारा देखोगे जो स्क्रीन टाइम था, उन्होंने बार बार बस यही बोला है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये मैं नहीं मानता। देखिए यहाँ पर ना मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की निंदा कर रहे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी की निंदा कर रहे हो, राइट। देखो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ऐसा है कि अगर मैं कहूं कि मेरे को सब आता है वो भी गलत है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एक लाइफ टाइम क्या 7 जन्म भी कम है इसको पूरी तरह से सीखने के लिए, राइट। तो करेक्ट अगर कभी कभी मेरी भी प्रिडिक्शंस इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे मैं किसी को अपना, कोई मेरे से कंसल्टेशन ले रहा है, तो कभी कभी मैं भी मिस आउट कर जाता हूँ, देन आई लर्न फ्रॉम दैट।
एस्ट्रोलॉजर्स को भी यही करना चाहिए कि अगर प्रिडिक्शन गलत है कोई बात नहीं, टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड मूव फॉरवर्ड. इट इज करेक्ट. अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, इट इज मोर अबाउट दैट, राइट. अगर मैं भी गलत होता तो मैं वो गलती ढूंढता कि अगर मेरे से गलती हुई है तो कहां पर मैं गलत हूं, क्योंकि राइट. एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले गलत हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज है नेवर एंडिंग है समीरा. तो राइट. इसमें इस बात का ध्यान, मैं अंदर जाने से भी पहले मैं चिराग जी को यही बोल रहा था, मैंने कहा वी विल कीप अ वेरी हेल्दी डिबेट, बस हमने हमने इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसी ज्ञान की वजह से आप भी घर चला रहे हो और इसी ज्ञान की वजह से मेरा घर भी चल रहा है. तो राइट. एटलीस्ट ऐसा ना हो कि लोगों का प्रोस्पेक्टिव टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी का गलत इंप्रेशन जाए. सो दिस वाज माय ओनली डिमांड फ्रॉम इवन चिराग जी कि हम कुछ इसको इतना गंदा ना कर दें कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी को देखने का नजरिया अलग हो जाए, राइट. देखो करेक्ट. ज्ञान अलग अलग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी सेम रहेगी. ऑल्सो यू नो मुनव्वर जीत तो गया, बट मुनव्वर को अभी भी लोग ड्रैग कर रहे हैं डाउन के, और ऊपर से यू नो हेट स्पीच लोग फैला रहे हैं. सो अगर मैं भी आपसे पूछूं कि क्या वो जो बिग बॉस के घर में आपसे पहले के एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी थी, और मुनव्वर को जब बुलाया गया था तो मुनव्वर ने कहा था कि हमें फ्यूचर जानने का हक नहीं है, मतलब हम नहीं जान सकते, दैट इज वेरी ट्रू. और तो उन्होंने तब ये बात कही थी कि आपको इंटरनेशनल फेम मिलेगा, तो क्या वो, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो सच है, वो इंटरनेशनल फेम उन्हें मिलेगा? देखिए समीरा जी, इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगा सबसे पहले, और इलाबोरेट कैसे करूंगा कि जब उन्होंने बोला कि मेरे को बताना, हमें सुनना या हमें पूछना अलाउड नहीं है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे एक धर्म का जो फैक्टर है, देखो अब कुछ धर्म अलाउ नहीं करते, इट इज जस्ट नॉट मुस्लिम, इवन देर आर फ्यू अदर रिलीजन्स टू जहां पर एस्ट्रोलॉजी को जानना अलाउड नहीं है, आई विल नॉट नेम इट दो, बट देखो उन्होंने अपना धर्म के एंड से एक अपना पॉइंट रखना था कि हमें जानना अलाउड नहीं अलाउड होता, नहीं है. लेकिन लेकिन जब प्रेम ज्योतिष बता रहे थे तो उन्होंने भी तीन चार चीजें बताई, तो अगर आप अगर वो एक्चुअली में जानना नहीं चाहते थे तो वो दोबारा भी रोक सकते थे ना प्रेम ज्योतिष को कि आई डोंट वांट टू लिसन टू इट, है करेक्ट. ना. हाँ हाँ राइट. तो उन्होंने उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, दैट इज वाई मुनव्वर वॉज वेरी स्मार्ट थ्रू आउट द हाउस थ्रू आउट दिस सीजन. स्मार्टली अच्छा. उन्होंने बोल दिया कि मेरे धर्म में अलाउड नहीं, तो उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया कि ताकि मेरे पे ना आए हाँ कहीं से राइट. भी किसी पे से भी. लेकिन जब प्रेम ज्योतिष दोबारा उन्हें बता रहे थे वो तब भी डिनाई कर सकते थे, बट प्लीज आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डोंट वांट टू नो, बट उन्होंने करेक्ट. पूरा सुना, हाँ. ठीक है. अब देखो जानना अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर ये बोलते मैं विश्वास नहीं करता वो बोलना गलत होता, लेकिन उन्होंने वो बोला नहीं, राइट उन्होंने बोला राइट. कि जानना अलाउड नहीं है, ठीक है. तो अब जैसे कि मेरा भी रोल था, अब देखो मैं तो कंटेस्टेंट्स के सामने बैठा नहीं था, मैं तो सिर्फ राइट. बिग बॉस से बात कर रहा था और बिग बॉस ये सब जानना चाहते थे, तो मैंने बहुत क्लियरली ये पॉइंट बताया उनकी कुंडली में ना, उनके ऑरा में वीनस और राहु ये दो प्लैनेट्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है. अब वीनस दर्शाता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, और वीनस लग्जरीज को भी दर्शाता है, फेम को भी, और राहु इज द कारका फॉर प्रॉब्लम्स, मतलब राहु एक ऐसा प्लेनेट है अगर गलत सिचुएशन में बैठ जाए किसी भी प्लेनेट के साथ उसने भटका देना है. अब जैसे इनका राहु वीनस के साथ योग बना गया तो इन्होंने शुक्र यानी रोमांटिक रिलेशनशिप में इनको भटका देना है, यानी ही विल नॉट फाइंड पीस इन वन पर्सन, दैट इज द ओनली रीजन. लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि अगर एक प्लेनेट खराब है तो इसका ये मतलब नहीं उसके बाकी सारे एट्रीब्यूट्स खराब हो जाएंगे, जैसे वीनस जो है स्किन स्किन भी त्वचा, हमारी त्वचा जो होती है वो भी शुक्र की होती है, फेम जो मिलता है वो भी शुक्र का मिलता है, लग्जरीज जो हमारी लाइफ में आती है वो भी शुक्र की होती है, और शुक्र ही गर्लफ्रेंड्स का और रिलेशनशिप का कारक है, हस्बैंड वाइफ का कारक है वीनस. तो उनका वीनस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स और मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, अगर वीनस पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता तो ना ही उनको वो फेम मिलता, उनको कोई ना कोई बड़ी स्किन की प्रॉब्लम भी रहती और ना ही उनकी पहले की मैरिज टूटती. तो मैं करेक्ट. ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि अगर एक प्लेनेट खराब है तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स खराब हो जाएंगे, राइट राइट ठीक है. तो राइट. वही उनका वीनस राहु का ऑरा आगे 3 साल और चलने वाला है, वही मैंने मीडिया को भी बताया था और उधर भी बताया था, अगेन इट डिडंट गेट ऑन एयर. वो ये है कि अभी 3 साल और ना वीनस राहु उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे. अब इसके दो मतलब है, पहली बात कोई रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंच पाए वही उसके चांसेस बहुत कम है, यानी इनका 3 साल कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ज्यादा अच्छा योग नहीं चल रहा. ओके. गलती से अगर कोई रिश्ता मैरिज तक पहुंच भी जाता है ना, तो अगर 3 साल के अंदर अंदर वो मैरिज एसोसिएशन में आते हैं अगेन,
हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, तो जो ओके उनके साथ पहले हुआ है वो रिपीट होगा। ओके और जो इंटरनेशनल फेम वाली बात थी, इज इट ट्रू हाँ आपके हिसाब से क्या है? अब देखो, इंटरनेशनल फेम की अगर बात करें, आई विल नॉट डिनाई कि उनकी कुंडली में इंटरनेशनल फेम है। अब ये चीज का प्रमाण हम नहीं लगा सकते जो मैं अभी बोलने वाला हूं। उनकी कुंडली में ना बुध और केतु हाँ उनकी ऑरा में थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, तो जब बुध और केतु डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हमें आइडेंटिटी से रिलेटेड थोड़ी से इश्यूज आते हैं। अब वो चाहे आप कह लो उनकी आईडीज पूरी नहीं होंगी, या पासपोर्ट में कोई दिक्कतें होंगी, या फिर उनके वीजास में दिक्कतें आएंगी, दैट विल बी अ हिंडरेंस फॉर हिम टू ट्रैवल अब्रॉड। देखो अब्रॉड का फेम है वो मैं डिनाई नहीं कर रहा, अभी भी उनके यूट्यूब पे जो भी वो डालते हैं, जैसे बिग बॉस भी सिर्फ इंडिया का शो थोड़ी ना, ग्लोबली हर कोई देखता है। क्योंकि ग्लोबल फेम का मतलब नहीं कि फॉरेनर्स के पास जा रहे हैं, वो इंग्लिश में तो अपनी टॉक्स देते नहीं है या अपना कंटेंट इंग्लिश में तो बनाते नहीं है। करेक्ट अब्रॉड फेम का मतलब कि जो लोग बाहर सेटल्ड हैं, जो हिंदी जानते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे उनका फेम है वो तो ऑलरेडी उनको मिल रहा है ना। अभी अगर इंटरनेट में कोई चीज डलती है वो तो ग्लोबली हो जाती है। यस करेक्ट लेकिन उनकी कुंडली में ऐसा भी है कि फॉरेन जाके शोज भी कर सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द थिंग इज जो बात मैंने पहले बोली है वो मुनव्वर को, अगर ये वीडियो देखते हैं मुनव्वर, तो इस बात का प्रमाण वो दे पाएंगे कि उनके वीजाज में या पासपोर्ट में कोई ना कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से वो बाहर जाने में उनको वो तकलीफ आएगी, क्योंकि आई डोंट थिंक वो अभी तक फॉरन गए भी होंगे। नहीं, नाउ आई एम नॉट बिकॉज श्योर अबाउट दैट। उनके वो केस के बाद शायद से उनके पास पासपोर्ट भी नहीं आया अब तक का. एब्सोल्युटली यस दैट इज सो करेक्ट एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन। राइट ओके तो फिर बाहर जाके शोज कैसे करेंगे? तो मतलब कुछ रुकावटें हैं जो इस चीज की वजह से आ सकती है. वो बुध और केतु की वजह से। ओके मरकरी मरकरी रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स ओके एंड केतु रिप्रेजेंट्स ट्रैवल, तो जब बुध और केतु गलत युति बना लें तो ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में पंगा पड़ता है। नाउ ओके दैट इज अ वीजा और द पासपोर्ट। ओके ओके सो अब हम जो टॉप 3 में से जो अभिषेक और मनारा है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि अब इनका फ्यूचर कैसा होगा. क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं अपने आप को, जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ये भी कहा क्या उसकी जैसी पर्सनालिटी, उसके जैसा साफ दिल इस घर में शायद से किसी का भी नहीं है, राइट? आपने ये बात कही थी. देखिए अभिषेक फ्रॉम डे वन एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने दूसरों में अपनी सपोर्ट नहीं ढूंढी। करेक्ट अरुण राइट भाई ने भी बहुत दिल से खेला है, उसको भी मैं डिनाई नहीं करता, बट अरुण भाई ने तहलका को एक सपोर्ट बनाया हुआ था, वो दोनों एक करेक्ट दूसरे के सपोर्ट थे। बट अगर आप अभिषेक का देखो, कोई भी दोस्ती ऐसी नहीं जो 2-3 हफ्तों से ज्यादा चली, राइट? जहां पर अगर विक्की भैया के साथ थे उनकी कोई बात गलत लगी, पॉइंट रख दिया, लड़ाई कर ली, करेक्ट है ना। मुनव्वर से भी बीच में जब वो वापस आए थे तो इमीडिएटली हम सबने देखा था मुनव्वर के साथ भी वो उन्होंने हटे नहीं। हालांकि अगर वो ये सोचते नहीं मेरे को तो मुनव्वर के साथ रहने हैं, मेरे को अपनी गेम ठीक करनी है, एक इंसान अगर दिल से खेल है और सिर्फ अपना समझ के सोलो खेल है, दैट वॉज ओनली एंड ओनली अभिषेक। और उसकी सोल जो मैं जज कर पा रहा था ना, इज अगर घर में किसी की सोल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी वो था अभिषेक। देखो अब सोल का अच्छा होना और नेचर का अच्छा होना सेम ही हो सकता, करेक्ट राइट राइट? अगर आप देखोगे ना जितने भी तपस्वी साधु हैं, साधु जब तपस्या करते हैं ना उससे भी उन्हें तेज मिलता है। तो जब आप किसी बहुत विद्वान साधु को या प्रीस्ट को देखोगे ना, वो बहुत गालियां निकालने वाले मिलते हैं हमको। अगर आप आपने कभी एक्सपीरियंस ऐसे किया हो तो आपको बताओ, अगर नहीं किया आप कभी ऐसे साधुओं के पास बैठे नहीं हो, हाँ क्योंकि उन्होंने ना जब वो तपस्या करते हैं ना, वो तपस्या से उनके अंदर वो तेज आता है। तेज का मतलब ही गर्मी है, तेज करेक्ट मतलब वो एक हीटेड एनर्जी आपके अंदर आ रही है, राइट? वो सूरज से आता है, ठीक राइट है। अब सोल अच्छा है, लेकिन सूरज और मंगल ने उन्हें बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर दिया, तो नेचर वाइज वो बहुत एग्रेसिव थे। वहां मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूं कि वहां पे अभिषेक अच्छे थे, ठीक है। एग्रेशन कंट्रोल में किया जा सकता था और राइट उसी के टिप्स में अंदर भी देखे गया था, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी, एज अ सोलो प्लेयर अगर कोई खेला है, दैट वाज ओनली एंड ओनली, जिसको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। फ्यूचर किस तरह का इनका फ्यूचर होने वाला है, ब्राइट होने वाला है, व्हाट डू यू ऐसा थिंक? है, इनके स्टार जैसे चल रहे हैं अभिषेक के, कि अगर ये डिसिप्लिन में रहे, ठहराव में रहे, एंड एट द सेम टाइम एक कन्विक्शन में रहे कि मेरे को बनना क्या, तो इनका ना 34 इयर्स से एक ऐसा स्टार एक्टिवेट होगा जो इनको एक बॉलीवुड स्टार भी बना सके।
ओके लेकिन मेरा ऐसा कहना कि 34 से वो स्टार शुरू होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक 34 के नहीं होंगे तब तक उनके पास काम नहीं होगा। काम के स्टार्स अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, बट वो बॉलीवुड लेवल के नहीं हो सकते, क्योंकि अभी भी उनकी कुंडली, क्योंकि उनका हॉरोस्कोप तो एग्जैक्टली मेरे पास था, उनकी कुंडली में अभी स्टार्स ऐसे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो लास्ट मोमेंट पे स्लिप आउट हो जाएंगी। ओ वो अच्छा स्लिप आउट ना हो, वो स्लिप आउट ना हो उसके लिए भी मैं उन्हें गाइडेंस देकर आया हूँ अंदर जाकर, ठीक अच्छा है। तो अब अगर उन्होंने सुनी हो, क्योंकि बिग बॉस ने तो काफी कुछ काटा है, एज आई एम ऑलरेडी सेइंग, सो आई विल ट्राई टू पुट दोज वर्ड्स इन हिज ईयर्स, ताकि उन तक ये बात पहुंच पाए या मीडिया के थ्रू ये बात पहुंच पाए। तो इट विल हेल्प हिम टू कन्वर्ट इवन दोज थिंग्स अराउंड, एंड एट द सेम टाइम अगर 34 तक ठहराव रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, एग्रेशन कंट्रोल में रहेगा, और एक सुपरस्टार बनने की ड्रीम बहुत एक्टिव रहेगी, तो बॉलीवुड में भी हम सबों ने देखा। ओके होपफुली। और लास्ट मनारा के बारे में जानना चाहेंगे, व्हाट यू हैव टू से अबाउट मनारा, क्योंकि मनारा मनारा का इस टाइम, बोलिए बोलिए। मनारा क्योंकि जिस तरह से खेली है, कई सारी लड़की हो या लड़के हो, इनफैक्ट यू नो ऑडियंस को उनका गेम बहुत गंदा लगा है। जिस तरह से वो बॉडी शेम करती थी, कैरेक्टर असैसिनेट करती थी, तो उनको वो चीजें यू नो लगती नहीं थी। इतनी बड़ी फैमिली के बाद आने के बाद भी वो चीजें बोलना उनके मुंह से, लोगों को उनका गेम नहीं अच्छा लगा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए यहाँ पे भी ना मैं जितना प्रिसाइजली ब्रेक डाउन हो सके उतना कोशिश करूंगा। मनारा अगेन इज समवन हु आई ऑलरेडी नो ओके एंड इवन आई हैव हर हॉरोस्कोप। उनका लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके मेंटली ये रहा है कि शी ऑलवेज टेंड टू लुक आउट फॉर सपोर्ट इन अदर्स, ठीक है, यस और एट द सेम एंड जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो उनकी नेचर ऐसी है कि उनका ना बुध थोड़ा सा खराब है। बुध रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो जब वो किसी के बारे में कमेंट करेंगे ना, वो आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ फन करेंगे, मतलब शी विल नेवर मीन इट। ओके जब बुध खराब होता है ना, कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, यानी आप बोलना कुछ चाहते थे लेकिन या तो वो कम्युनिकेट करने में आपके शब्द खराब हो गए या सामने वाला गलत समझ गया, ठीक राइट है। राइट तो व्हेन आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बॉडी शेमिंग नहीं की, बट मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, सिंस आई नो हर थ्रू हर हॉरोस्कोप, शी नेवर यू नो इंटेंशनली शी नेवर डिड इट, ओके शी डिड इट फॉर फन। लेकिन एट द सेम टाइम जब अगर आप किसी को बोल रहे हो और वापस आपको सुनने में मिल रहा है, तो आपके अंदर वो उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने में भी, राइट एंड दैट इज समथिंग जहां पे मनारा को अभी भी काम करना पड़ेगा। बट ये बात मैं अभी भी बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो कमेंट्स करते थे ना, इट वॉज नॉट इंटेंशनल कमेंट्स, मतलब ओके शी वॉज नॉट टारगेटिंग, इफ आई मे से। और अगर ओके उनके फ्यूचर की बात करूं, उनका सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राहु के साथ। अब सैटर्न जो है वो व्यापार का कारक है, अब एक एक्टर के लिए व्यापार क्या है कि उन्हें काम मिले फिल्म्स में, म्यूजिक वीडियोज में, राइट और राइट राहु क्या करता है, राहु रिप्रेजेंट करता है डिजिटल कामों को। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है, जितने भी वेब और ओटीटीज हैं सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, राइट। इसके अलावा जो YouTube भी है वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी जो भी हम म्यूजिक वीडियोस भी डालते हैं, ठीक है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही आती है, ठीक है। और राहु दर्शाता है जज्बे को भी, यानी वो आगे कोई ना कोई और रियलिटी शो, स्पेशली खतरों के खिलाड़ी में भी हमको देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने वो शो देखा नहीं क्योंकि जो रोहित शेट्टी है वो ऑलरेडी होके आ चुके हैं, बट आई डोंट नो उन्होंने राइट किसको पिक किया, आई डोंट हैव अभिषेक का दैट नाम आ रहा क्लैरिटी। है। अभिषेक का नाम आ रहा है, हाँ ठीक है, मैंने देखा ही नहीं शो, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये नेवर नो, जरूरी नहीं है कि शो में डिसाइड ही हो जाता है, बाद में भी डिसाइड होता राइट है, राइट। तो कहने का करेक्ट ये भाव वो और किसी रियलिटी शो में मिल सकते हैं, क्योंकि जिस प्लेनेट ने उन्हें बिग बॉस में लेके आया है वो प्लेनेट रियलिटी शोज को दर्शाता है, वही प्लेनेट दोबारा इनको किसी और रियलिटी शो में भी लेके जा सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और शनि जब एक्टिव होता है ना, तो शनि रिप्रेजेंट करता है साउथ की दिशा को, ओके दक्षिण दिशा। तो अब यानी साउथ की इंडस्ट्री जहां पे उन्हें पहले भी काम किया हुआ है, तो साउथ की इंडस्ट्री में उन्हें दोबारा काम मिलने का बहुत अच्छा योग आएगा। ओके सर लास्टली यू नो जाते जाते एक और एक ही चीज जानना चाहेंगे। आपने एमसी स्टैंड के बारे में कहा था, एमसी स्टैंड को लेकर भी आपने प्रेडिक्शन कहा था किया था। क्या लगता है आपको, अभी जिस तरह से उनका करियर जो हाइप में है और उसको लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो इतने उरूज पर चल रहे हैं और उनका जो एटीट्यूड लेवल है वो मैच नहीं हो पा रहा है, डू यू थिंक
कि ये एटीट्यूड इनके करियर को मात दे सकता है? देखिए, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, इफ आई मे से. ठीक है, अंदर आपने अगर मेरा पिछला सीजन देखा होगा, सीजन 16 में जब मैं आया था, मैंने टीना के बारे में भी यही बोली थी, यही बात बोली थी कि फर्स्ट ब्लॉकबस्टर के बाद दूसरा ब्लॉकबस्टर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला. और उसमें मैंने ब्लंटली ये बोला था, उसमें प्रॉब्लम है आपके एटीट्यूड की. ठीक है, कि वो चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो, क्रू मेंबर से रिलेटेड हो, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर से रिलेटेड हो, तभी आप देख लो बिग बॉस जैसे इतने बड़े मंच में आने के बाद भी, और इतने इतने हफ्ते बिग बॉस के घर में रहने के बाद भी, वो कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाए हैं. अब स्टैन के नहीं, बारे में एक बात बताए क्या है, एक बात स्टैन के बारे में, उनका राहु फिफ्थ हाउस में काम करता है. राहु फिफ्थ हाउस में जो मैंने अंदर प्रिडिक्शन दी थी और जो ऑन एयर भी आई, उनको मैंने कहा था लाइफ में जब जब क्रिटिसिज्म होगा तब तब आप और ज्यादा बाउंस बैक करोगे. तो बस मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जब वो विनर बने सीजन 16 के, सारी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया यस, कि एक अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट विनर बना है जो घर में रहना भी नहीं चाहता था. करेक्ट, स्टैन एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो ऑलमोस्ट हर हफ्ते बोलते थे कि यार आई डोंट नहीं बिलोंग हियर, रहना मैं है। यहाँ रहना. यस, तो बिग बॉस जीतने के बाद जब क्रिटिसिज्म मिला, यानी उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, अब प्लेनेट ने क्या करना था, कुछ बड़ा करना था. अब उनके साथ क्या हुआ, जैसे क्रिटिसिज्म मिला उसके बाद वो लाइव आए, लाइव आकर उन्होंने अब रिकॉर्ड तोड़ा यस, शाहरुख खान सर का, टू हैव मोस्ट पब्लिक ऑन अ लाइव फीड. करेक्ट, और आई गेस शाहरुख खान सर का रिकॉर्ड उन्होंने डबल मार्जिन से तोड़ा था. यस, उनका तो 2 लाख था तो उनकी, इनका 5 था, स्टैन का 5 लाख्स था हाँ समथिंग। मतलब आई डोंट नो द नंबर्स, बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ, उसकी मैंने इंस्टा हैंडल पे अपना पोस्ट भी किया था कि आई प्रिडिक्टेड दिस समथिंग अबाउट एमसी स्टैन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मतलब मेरी प्रिडिक्शंस जो मैंने की है लास्ट ईयर भी, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 80-90% प्रिडिक्शंस इवन आफ्टर द हाउस भी सच हुई है. ठीक यस यस यस, है, स्टैन के बारे में अभी भी स्टैन को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है आउट ऑफ एटीट्यूड. मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही है एटीट्यूड, वो ऐसा अगर रख रहे हैं, बट इट विल फेवर हिम, ओ इट विल फेवर हिम. बट अगेन, जैसे उनका राहु का पीरियड खत्म हुआ, फिर हाँ, वो एकदम से इंडस्ट्री से बुझ भी जाएंगे और कोई उन्हें जानेगा नहीं. सी ओ ऑडियंस, जनता जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी को स्टार बनाने में और किसी को स्टार से जमीन पर लाने में. ठीक करेक्ट है, अब करेक्ट, सितारों के बारे में बात ऐसी है, जब सितारे बुलंद होते हैं ना, तो वो आदमी घर बैठा भी राजा बन जाता है. राइट राइट राइट, और जैसे स्टार्स थोड़े से बिगड़ते हैं ना, तो दुनिया लात मारते टाइम भी परवाह नहीं करती है. ठीक करेक्ट, है, अब जैसे एक, आई डोंट नो हर नेम, एक सिंगर आई थी जो एक रेलवे स्टेशन पे सिंगिंग करती थी. ठीक है, यस, जिनको सलमान सर ने भी रहने को जगह दी थी, हिमेश रेशमिया हिमेश जी ने भी रेशमिया मौका दिया था. कहाँ है वो आंटी, गायब, नहीं है ना, राइट राइट राइट, गायब होगी ना. क्योंकि करेक्ट, फेम को संभालना, लोगों को जितना इजी लगता है ना कि फेम संभालना है, फेम लेने के बाद सबसे बड़ा टास्क जो एक इंसान को आना चाहिए वो ये आना चाहिए, फेम को संभालने कैसे. इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड ना, देन गॉड हेल्प यू गाइस. क्योंकि पीरियड्स जो होते हैं ना, पीरियड स्टेबल नहीं रहते. अगर आपने अपने आप को अच्छे टाइम पर नहीं संभाला अच्छे से, तो जैसे ही आपका टाइम बिगड़ेगा ना, कोई आपको जानेगा भी नहीं, कोई आपको पूछेगा भी नहीं. तो ये हमें टाइम से सीखना चाहिए कि अगर टाइम अच्छा है ना, आप लोगों में बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप करो एंड स्टे ग्राउंडेड. देखो अभी भी मैंने जैसे अभी काशी, ये मैं अपने आप से सीखता हूँ और मैं अपनी फैमिली से सीखता हूँ. आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली हु हैव टॉट मी इन टर्म्स ऑफ एथिक्स कि भाई ग्राउंडेड रहो, अपने आप को फन्ने खाना समझो. दैट विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर ग्रोथ, ऑफ अ एग्जैक्टली स्टेबल राइट, ग्रोथ. उससे ग्रोथ चाहे कम मिले, लेकिन वो दैट ग्रोथ विल बी देयर फॉर लाइफ एंड दैट विल एग्जैक्टली, कीप ऑन ग्रोइंग टाइम टू टाइम. यस, तो जैसे कि इसीलिए मैंने अभी कहा ना, अगर मैं अपने आप को समझू, मैं तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मेरा ये क्लाइंट है, मेरा फलाना क्लाइंट है, मेरा ये सेलिब्रिटी क्लाइंट है, मेरे मेरा मेरी तरक्की रुक जाएगी उसी टाइम. यस, यू नो, बस लास्टली जाते जाते बस क्लोजिंग करते हैं हम, तो यही वजह है कहीं ना कहीं कि मुनव्वर के जो फैंस है ना, इसीलिए उनको चाहते, क्योंकि वो इतने ग्राउंडेड है ना, इतने डाउन टू अर्थ है कि लोग उनको वही चीज उनकी बहुत ज्यादा पसंद करते, ये कह सकते हैं आप, इस पे अग्री करते हो? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ. आप देखो मुनव्वर की अगर हम बात करें, तो जब वो जीते हैं ये शो, उसके बाद डोंगरी वालों ने कितना प्यार दिखाया उनको, यस राइट? तो यस यस यस, अगर अगर वो ग्राउंडेड एटीट्यूड रहेगा, ठीक है, अब उन्होंने अंदर ये नहीं कहा कि अगर वो गलत थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे से गलतियां हुई है,
है, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा हाँ मैंने किया है कर लो जो करना है। एग्जैक्टली राइट और दो एक दो चीजें होती हैं, एक आर यू डूइंग इट फॉर द शो कि आप माफी शो के लिए मांग रहे हो, और यू एक्चुअली फीलिंग दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स। सो वो उनकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था दैट यू नो ही ही वाज हैज मेड रिग्रेटिंग ऑफ द मिस्टेक्स दैट ही हैज डन। करेक्ट करेक्ट सो दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ हिज नेचर विल टेक हिम टू प्लेसेस टू मोर हाइट्स। ओके ओके सो लास्टली बस जाते जाते आप हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? बस जाते जाते सबसे पहले देखो आप सभी का ऑल द पीपल फ्रॉम द मीडिया में उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इवन यू गाइस हैव बीन अ वेरी गुड सपोर्टफुल। सिर्फ अगर बिग बॉस होता तो प्रोबेबली इट वुड नॉट हैव मेक दिस डिफरेंस दैट आई गॉट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यू गाइस। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू गाइस। एंड एट द सेम टाइम बिग बॉस एंड मीडिया हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ एंड आई एम समवन हु हैव नेवर डिड एनी काइंड ऑफ पीआर और एनी एड्स। आप मेरा हिस्ट्री भी देख लो बिग बॉस से पहले का, आप कहीं नहीं देखोगे कि मैंने कहीं कोई पीआर हायर किया हुआ है या एड की हुई है, बिकॉज इट इज माई वर्क हु स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। करेक्ट इससे पहले बिग बॉस से पहले भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो बहुत बड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ। और वर्ड ऑफ माउथ उसी का होता है अगर कोई आदमी टैलेंटेड है या जो रिजल्ट्स डिलीवर करता है, राइट? सो आई एम करेक्ट नोन फॉर डिलीवरिंग रिजल्ट्स, राइट? तो जैसे राइट कि जब मैंने अब बिग बॉस के बाद जो मेरे नए क्लाइंटल बने बिकॉज ऑफ बिग बॉस, तो जब उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर को सीजन में देखा ना तो आई गॉट टेक्स्ट फ्रॉम दोस क्लाइंट्स कि सर आप वहां होते तो बहुत मजा आता, मतलब मेरे साथ लोग ना दिल से जुड़ जाते। राइट और राइट मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें अपनी फैमिली ही बना लूं। तो ऐसे प्यार मिलता रहे इसी की आशा करूंगा आप सभी से। गॉड यस इज वेरी काइंड, गॉड इज वेरी काइंड, आई एम सराउंडेड विद वेरी गुड पीपल नाउ। ओके थैंक यू सो मच सौरज जी थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम सर, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट यू सो मच, थैंक यू।